देखिए सीटेट को तो लेकर हम लोग पहले से भी मुकर थे और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सीटेट को इस एग्जाम में सम्मिलित करना नियम संगत होगा, लेकिन सरकार का मानसिकता देखिए कि सीटेट के विरुद्ध में उनकी क्या मानसिकता थी। वो सीटेट के विरोध में नहीं थे, वो यहाँ के स्थानीय युवाओं के विरोध में थे। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिले। सरकार को संशोधन करना पड़ेगा अपनी नियमावली की, जेएसएससी की नियमावली की, और फिर सीटेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके पीछे अगर डिले हो गया, इसके पीछे एग्जाम अगर डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो इसमें किसका लॉस है? युवाओं का लॉस है, किसकी गलती है? वो सरकार की गलती है। इसलिए उन्होंने सीटेट को हटा दिया था परीक्षा प्रतियोगिता से। आज वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में हक के लड़ के अपनी अधिकार के लिए आए हैं। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार उनको जेएसएससी के जो परीक्षा है उसमें वो इंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार ने एक और बैकफुट यहाँ पे बैक स्टेप ले लिया है। जब ये आपको समझना होगा कि सीटेट को हटाया गया था तो क्या मानसिकता के साथ हटाया गया था। झारखंड के उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए बड़ा दिन है जो सीटेट की परीक्षा पास करके वो जेटेट में शामिल होना चाहते थे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक अमित मंडल जी हैं। दादा, क्या सरकार रोकने की कोशिश कर रही थी, अल्टीमेटली हाईकोर्ट से उनको हरी झंडी मिली? देखिए सीटेट को तो लेकर हम लोग पहले से भी मुकर थे और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सीटेट को इस एग्जाम में सम्मिलित करना नियम संगत होगा, लेकिन सरकार का मानसिकता देखिए कि सीटेट के विरुद्ध में उनकी क्या मानसिकता थी। वो सीटेट के विरोध में नहीं थे, वो यहाँ के स्थानीय युवाओं के विरोध में थे। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिले, इसलिए उन्होंने सीटेट को हटा दिया था परीक्षा प्रतियोगिता से। आज वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में हक के लड़ के अपनी अधिकार के लिए आए हैं। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार उनको जेएसएससी के जो परीक्षा है उसमें वो इंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार ने एक और बैकफुट यहाँ पे बैक स्टेप ले लिया है। जब ये आपको समझना होगा कि सीटेट को हटाया गया था तो क्या मानसिकता के साथ हटाया गया था, वही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट वो जाते तो पुनः उनको कहा जाता है कि सीटेट की मान्यता एग्जाम में होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार का नेगेटिव फ्रेम सेट माइंडसेट इससे क्या सरकार के लिए सेटबैक के तौर पर एक सेटबैक है। सरकार को बैकफुट में जाना पड़ेगा, सरकार को संशोधन करना पड़ेगा अपनी नियमावली की, जेएसएससी की नियमावली की, और फिर सीटेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके पीछे अगर डिले हो गया, इसके पीछे एग्जाम अगर डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो इसमें किसका लॉस है? युवाओं का लॉस है, किसकी गलती है? वो सरकार की गलती है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय झारखंड हाईकोर्ट से उन तमाम सीटेट के परीक्षार्थियों के लिए आया है जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते थे। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।